नए एपिसोड में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज मैं ऐसे टॉप 7 थीम लेके आया हूँ जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। ये सारे थीम आपको बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करने वाला है। और मैंने आपसे कुछ टाइम पहले ही वोटिंग करवाया था कि भाई आपको चाइना थीम स्टोर के ऊपर थीम की वीडियो चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि चाइना का जो थीम स्टोर होता है ना, इसमें काफ़ी कमाल के और मोस्ट कस्टमाइजेबल थीम हमें देखने को मिलता है, जबकि ग्लोबल और इंडियन थीम स्टोर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये थीम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डिवाइस के लिए काम करेंगे जिन डिवाइस के ऊपर आपने ऑफिशियल MIUI को नहीं डाल रखा है, यानी कोई भी अदर MIUI डाल रखा है, चाहे वो रेजर हो, EU हो या फिर पोर्ट हो, रीव हो, उन सभी के अंदर अगर चाइना का थीम स्टोर है, यानी इस लैंग्वेज में आपका थीम स्टोर शो हो रहा है, तो आप आज के सभी थीम का बेनिफिट ले पाओगे। और ये सारे थीम्स आपको बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करने वाला है, जो कि शायद ही आपने कभी ग्लोबल के अंदर फाइंड आउट किया होगा। बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप एक टेलीग्राम यूजर्स हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे इस टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जहाँ पे बहुत सारे रोम्स की डिटेल, थीम्स की डिटेल, अपडेट, एप्स अपडेट से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का कस्टमाइजेशन हमें चाइना के थीम को यूज करने के बाद देखने को मिल जाता है। फर्स्ट थीम के साथ अच्छा खासा कस्टमाइजेशन लॉक स्क्रीन पे आपको मिल जाता है। नए से एनिमेशन आपको बबल के अंदर देखने को मिलेगा। इधर स्लाइड करने के बाद हमें वेदर नज़र आता है और इधर की ओर म्यूजिक प्लेयर। और एंड्रॉयड 10 के लुक में आपको यहाँ पे इसका क्लॉक देखने को मिलता है। अगर मैं इसे चार्जिंग पे इन करता हूँ तो आपको नया चार्जिंग एनिमेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको नया चार्जिंग एनिमेशन प्रोवाइड करता है ये थीम, अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो। साथ साथ यहाँ पे वेदर है, टाइम है और म्यूजिक लिखा गया, यानी जो स्लाइडिंग का है वो कुछ इस तरीके से स्वाइप होता हुआ नज़र आता है। अनलॉक करते ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसका नेम, जो कि भाई चाइना में है, तो पता तो चलेगा नहीं, बट मैं लिंक आपको दे दूंगा जहाँ से आप इसे सिलेक्ट करके डाउनलोड कर पाओगे। होम स्क्रीन पे थोड़ा सा कार्टूनी टाइप के आपको आइकन पैक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो टाइमिंग और विजेट्स वगैरह दिए गए हैं ये थोड़े से डिफरेंट एनिमेशन में आता है और कुछ यहाँ पे चाइना में भी लिखा गया है। हमारा जो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर की जगह मैंने MIUI 11 इनेबल कर रखा है, इस पर भी आपको नया लुक देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे जो हमारा बैटरी है ये चेंज हो चुका है, साथ साथ नेटवर्क स्टाइल चेंज हो चुका है, सेटिंग का आइकन चेंज हो चुका है। अगर मैं सेटिंग के अंदर इन करता हूँ तो यहाँ पे सारे MIUI 12 के जो आइकन थे वो सब कुछ रिप्लेस हो गए हैं नए लुक में। और कंट्रोल सेंटर पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे न्यू कंट्रोल सेंटर को इनेबल करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा हमारे कंट्रोल सेंटर के ऊपर, जो कि रियल में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और अगर लॉक स्क्रीन पे फिर से वापस आते हैं तो यहाँ पे एक बार नज़र आता है हल्का सा, इसे अगर मैं स्लाइड करूँ तो कुछ ऐप्स आपको नज़र आएंगे शॉर्टकट के रूप में, जो कि कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो भाई यहाँ पे अलग टाइप का आपको एनिमेशन देखने को मिलता है और कुछ शॉर्टकट्स भी देखने को मिलते हैं ऐप्स के, जिनकी हेल्प से आप कई सारे एक्शन यूज कर सकते हो। तो ये थीम काफ़ी मुझे ज़्यादा पसंद आया है, जो कि आप अपने फ़ोन के लिए डाउनलोड कर सकते हो अपने थीम के स्टोर से। थीम का भी नेम चाइना में है बट लिंक आपको मिल जाएगा। इसे अप्लाई करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से क्लॉक देखने को मिलता है, यहाँ पे सेकंड देखने को मिलता है और ये आप देख सकते हो बार बार राउंड हो रहा है, तो हमारा चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है। इधर के विचेट वगैरह और बाकी अदर चीज़ें देखने को मिलता है। अगर मैं इधर से स्वाइप करूँ तो कुछ इस टाइप से आपको शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अपने लॉक स्क्रीन के लुक में बदलाव ला सकते हो, जिस टाइप का चाहिए कुछ उस टाइप से, बस राइट पे टाइप कर देना है और इधर की ओर स्वाइप कर देना है, आपको चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। साथ साथ अगर मैं इसे अनलॉक करता हूँ और इसके आता हूँ मैं होम स्क्रीन पे, तो आपको सब कुछ ब्लैक ब्लैक देखने को मिलेगा और आइकन पैक और जो वॉलपेपर है काफ़ी अच्छा है। तो आपको अगर ब्लैक थीम पसंद आता है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। सेटिंग के अंदर भी सब कुछ आपको ब्लैक नज़र आने वाला है और कुछ इस तरीके से नया मॉडिफाइड आपको देखने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर भी हल्का सा चेंज किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। वंस अगेन अगर मैं इसे MIUI 11 के लुक पे इनेबल करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे फिर से आपको उसी टाइप का कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा। साथ साथ बैटरी का आइकन और यहाँ पे वो वाईफाई कॉलिंग का आइकन है जो चेंज हो चुका है इस थीम की वजह से। तो आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। अगला थीम है ये ऑलवेज ऑन को सपोर्ट करता है। अगर आपका कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसमें
ऑलवेज ऑन क्लॉक वगैरह है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ साथ बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस थीम को अप्लाई करने के बाद नया चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ विजेट्स पे भी ये चार्जिंग एनिमेशन नज़र आता है, स्टेप्स नज़र आएंगे, क्लॉक विजेट कई सारे देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ इधर स्वाइप करने के बाद अलग आपको विजेट देखने को मिलेगा जो कि मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा सही लगा। यहाँ पे कुछ और कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं जिसके हेल्प से आप अपने लॉक स्क्रीन के लुक को जो बदल सकते हो। साथ साथ होम स्क्रीन पे किस टाइप का आपको टाइमिंग चाहिए वो भी आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। बस राइट पे टैप करना है और भाई आपके लॉक स्क्रीन का जो लुक है वो बदल गया। इस ऐप पे टैप करते ही आपको नया म्यूजिक प्लेयर देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी कमाल का है और इधर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। उसका थोड़ी देर में कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाता है और अनलॉक करते ही आपको इसका लॉक स्क्रीन के अलावा होम स्क्रीन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज है और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे विजेट्स देखने को मिलता है टाइमिंग का। यहाँ पे आइकन पैक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे जो नेम बार है ये भी कस्टमाइज हो चुका है और आप देख सकते हो किस तरीके से एनिमेशन देखने को मिल रहे हैं हमें इसके आइकन पैक के ऊपर। और जो हमारा MIUI 11 का लुक है ये भी कस्टमाइज है यानी चेंज है। साथ साथ बैटरी बार, वाईफाई सेटिंग, आइकन वगैरह सब कुछ बदला गया है। सेटिंग के अंदर अलग सा कैटेगरी देखने को मिलता है जो कि हमें हेलो फ्यूचर के थीम के अंदर नज़र आता था, सेम उसी तरीके से सिमिलर है। वंस अगेन डिस्प्ले के अंदर आते हैं, कंट्रोल सेंटर पे जाते हैं, इसे ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से नया लुक जो कि हमारे MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर है। तो हर जगह ये कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है जो कि आपको आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही साथ इसका जो चार्जिंग एनिमेशन है वो तो मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा। इस थीम के साथ भी आपको डिफरेंट चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है, एक गर्ल का वॉलपेपर है, साथ ही यहाँ पे कुछ चाइना में लिखा गया है। तो इस पर जिस तरीके से आप सेलेक्ट करोगे आपको नया नया एनिमेशन लुक्स वगैरह देखने को मिलेंगे, इफेक्ट देखने को मिलेंगे इसके लॉक स्क्रीन के ऊपर। तो जिस टाइप का आपको एनिमेशन चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये भी मुझे सही लगा, तो मे बी बहुत सारे यूजर्स को ये पसंद आएगा और बहुत सारे यूजर्स को पसंद ना भी आए। साथ साथ अनलॉक करते ही ट्रांसपेरेंट टाइप का यहाँ पे आइकन पैक यूज किया गया है जो कि आई थिंक आप में से बहुत सारे यूजर्स को पसंद आने वाला है। तो आइकन पैक मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और सिंपल सा एक लुक मिलता है जो कि हमें लॉक स्क्रीन के अलावा होम स्क्रीन पे देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर कुछ आपको ब्लर टाइप का, डार्क ग्रे टाइप का वॉलपेपर देखने को मिलता है और नॉर्मल से आइकन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है इसमें भी हल्का फुल्का चेंज किया गया है जो कि सही है। साथ साथ यहाँ पे आपको बैटरी, वाईफाई और नेटवर्क के अंदर नया कलर देखने को मिल जाता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। फिर से आते हैं डिस्प्ले की ओर और MIUI 11 को अगर करते हैं इनेबल यहाँ पे जो कि नोटिफिकेशन सेंटर है तो इस पर भी आपको कुछ इस टाइप से लुक देखने को मिल जाता है। तो इसका आप यूज कर सकते हो, मुझे स्पेशली इसका आइकन पैक पसंद आया तो आप इस आइकन पैक को किसी अदर थीम पे भी अप्लाई करके बेनिफिट ले सकते हो। अगला थीम है ये भी काफ़ी अच्छा खासा कस्टमाइजेशन यहाँ पे जो ला के देता है। तो अनलॉक करते कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा, बैटरी चार्जिंग का, म्यूजिक प्लेयर है, बाकी तो शॉर्टकट से इधर पर टाइप करने के बाद ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होता है यानी सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसे जैसे ही मैं यहाँ पे अनलॉक करूंगा आपको कुछ इस तरीके से लुक देखने को मिलेगा आपके लॉक स्क्रीन पे और कई सारे नए क्लॉक दिए गए हैं जो कि आप अपने मर्जी के अनुसार चेंज कर सकते हो। होम स्क्रीन पे काफ़ी यूनिक टाइप का, डिफरेंट टाइप का आइकन पैक यूज किया गया है। नया क्लॉक का यहाँ पे आपको फॉन्ट देखने को मिल जाता है और इस पर काफ़ी अच्छा खासा एनिमेशन भी दिया गया है। साथ साथ इसका अगर डायलर चेक करें तो यहाँ पे नया फॉन्ट और नया कलर भी हमें नज़र आता है। सेटिंग के अंदर इन करते ही यहाँ पे नया लुक आपको देखने को मिल जाएगा इसके सेटिंग्स के ऊपर जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है और काफ़ी अच्छे खासे इफेक्ट के साथ ये नज़र आता है। वंस अगेन हमारा जो MIUI 11 का लुक है, कंट्रोल सेंटर के अलावा नोटिफिकेशन का, ये कुछ अच्छा खासा लुक में नज़र आता है। बैटरी, चार्जिंग एनिमेशन, वाईफाई का जो आइकन है इसमें भी बदलाव किया गया है। डिस्प्ले के अंदर आने के बाद अगर कंट्रोल सेंटर को इनेबल करते हैं और ड्रॉ करते हैं तो इस पर भी आपको हल्का सा डिफरेंट कलर देखने को मिलता है। तो अलग अलग का कलर यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस थीम को अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट थीम है इसके साथ आपको नया चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है और मे भी शायद ये थीम आपने पहले यूज किया होगा, शायद ये ग्लोबल में भी अवेलेबल है जिसका नाम फ्यूचर समथिंग कुछ है। तो उसी टाइप का आपको चाइना में भी ये देखने को मिलता है जहाँ पे स्टेप काउंटर है, कुछ इस टाइप से आपको सिंपल सा क्लॉक देखने को मिलता है लेकिन काफ़ी अच्छा खासा है। और इधर स्वाइप करने के बाद कई सारे आपको विजेट्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे कई सारे शॉर्टकट्स बनाए गए हैं और हेलो फ्यूचर यहाँ पे भी लिखा गया है। इधर की ओर हमारा कैमरा है और यहाँ पे आई बटन पे टैप करते ही कई सारे शॉर्टकट्स नज़र आते हैं जिसके अनुसार आप अपने लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे फिर से टैप करने के बाद होम स्क्रीन का क्लॉक का फॉर्मेट चेंज करने को आपको मिल जाता है। तो जो भी अच्छा लगता है वो आपको चेंज करना है, अप्लाई करना है और अनलॉक करते ही ये सारा आइकन पैक एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा होम स्क्रीन के ऊपर और हर एक ऐप्स का जो आइकन है वो एनिमेट करता है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा।
साथ साथ यहाँ पे डायल पैड में भी नया फॉन्ट यूज किया गया है। सेटिंग के अंदर सेम कस्टमाइजेशन मिलता है जो कि कुछ देर पहले मैंने आपको शो किया था, क्योंकि दोनों के जो मेंटेनर है, जो थीम बनाने वाले हैं, दोनों के सेम है, इसको जैसे सिमिलर आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर कुछ अलग तरीके से मॉडिफाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क में हल्का सा कलर दिखाई देता है रेड और ग्रीन टाइप का, बैटरी का बार है और वाईफाई का आइकन वगैरह भी है जो चेंज हो चुका है। वंस अगेन MIUI 11 के लुक को इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। और टुडे के सामने जो रेड कलर का क्वेश्चन मार्क है ये भी है जो चेंज हो चुका है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे लुक मिलता है इस थीम को अप्लाई करने के बाद, जो कि रियल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये थीम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ है। लास्ट थीम है जिस पे आपको सिंपल सा फेड टाइप का वॉलपेपर देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा है। और यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन पे विजेट्स वगैरह है, टाइमिंग वगैरह के, ये भी काफ़ी कमाल के हैं। यहाँ पे चाइना में चार्जिंग एनिमेशन शो होता हुआ नज़र आता है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे क्लॉक के फॉर्मेट वगैरह दिए गए हैं। वॉलपेपर भी आप चेंज कर सकते हो और होम स्क्रीन का जो लुक वगैरह है ना, वो भी आप यहाँ पे बदल सकते हो कुछ इस तरीके से। तो इस तरह इसका कस्टमाइजेशन दूसरे साइड में हमें देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे इस पर हम टैप करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आता है, बस स्लाइड करने के बारे में दे रखा है। तो आप जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लो और यूज कर लो और इधर की ओर कैमरा हमें देखने को मिलता है। अनलॉक करते ही आपको इसका अच्छा खासा लुक देखने को मिलता है होम स्क्रीन पे, जो कि काफ़ी फेड आउट टाइप का आइकन पैक यूज किया गया है जो कि वॉलपेपर के अनुसार काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। और यहाँ पे क्लॉक का फॉर्मेट है। इधर की आते हैं तो आप देखोगे कि नॉर्मल सा एनिमेशन है, यानी कुछ खास एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है स्लाइडिंग के ऊपर। साथ साथ अगर हम यहाँ पे इसे ऑन कर देते हैं इसका जो डायल पैड है, तो यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप का आपको इफेक्ट देखने को मिलता है और सेम वॉलपेपर यूज किया गया है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है कुछ भी पता नहीं चलता है। ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। आप देख सकते हो इसे अप करने के बाद भी कोई भी बॉर्डर या जो डिफरेंट होना चाहिए दोनों के बीच में वो नज़र नहीं आता है। साथ साथ नेबार में भी हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन हो गया है सिंपल टाइप का, जो कि सही है। सेटिंग के अंदर इन करते हैं, डिफरेंट टाइप का आपको यहाँ पे सेटिंग देखने को मिलता है और सेम वॉलपेपर यहाँ पे भी यूज किया गया है। कंट्रोल सेंटर कुछ इस टाइप से लुक में चेंज है। अगर मैं इसे MIUI 11 पे इनेबल करूँ तो यहाँ पे भी आपको बदलाव देखने को मिल जाता है। तो ये रहा हमारा MIUI 11 से MIUI 12, तो इस पे भी आपको अच्छा खासा कस्टमाइजेशन नज़र आता है और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे बैटरी के अंदर किया गया है। इसके अलावा आपको सब कुछ यहाँ पे सिमिलर सा देखने को मिल जाता है। तो आप कमेंट करके बताना कि ये टॉप 7 थीम्स आपको कैसे लगे और इनमें से किसको आप ज़्यादा प्रीफर करोगे। सभी का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जिस पे टैप करना है, अपने थीम स्टोर को सिलेक्ट करना है और डाउनलोड कर लेना है। बस ये थीम सिर्फ उन्हीं में काम करेगा जिनका जो थीम स्टोर है वो चाइना का है। अगर आपका कोई भी अदर लैंग्वेज का थीम स्टोर है तो आप इन थीम को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।